तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है आर्मानी की एक ख़तरनाक वॉच, जो कि मेरी नहीं है, जो कि मेरे फ्रेंड की है। उसको उसके फ्रेंड ने गिफ्ट की है गाइस, ऑस्ट्रेलिया से शायद से, और ये काफ़ी सही वॉच है, डिसेंट सी वॉच है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। पीछे से पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये काफ़ी ट्रिपी है गाइस, मुझे तो काफ़ी सही लगा। इस वॉच में मतलब ज़्यादा कुछ फंक्शंस नहीं है कि आपको ये दिखाएगा वो दिखाएगा ये दिखाएगा वो दिखाएगा। एक वॉच की मेन पर्पस क्या होता है कि वक्त दिखाए, ये वक्त ठीक से दिखा देगा गाइस। इसके जो लेदर के स्ट्रैप्स है वो भी काफ़ी सही है। मेरे दोस्त को इस घड़ी को लेके 2-3 साल हो गए ऐसा उसने मुझे कहा, मतलब उसे मिल के 2-3 साल हो गए ऐसा उसने मुझे कहा, और उस हिसाब से ये घड़ी के स्ट्रैप्स काफ़ी सही है, लेदर के स्ट्रैप्स है, और ये जो ऊपर का है वो पूरा स्टेनलेस स्टील है गाइस। ये इसके ऊपर AX लिखा हुआ है आर्मानी एक्सचेंज, और काफ़ी सही है, और लेदर स्ट्रैप भी काफ़ी सही है गाइस, डिसेंट है, इसको आप ऐसे अटका सकते हो। और हर घड़ी की तरह ये भी घड़ी है गाइस, ये कुछ अलग घड़ी नहीं है कि मतलब इसमें कुछ अलग है, बस इसकी जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई गाइस, जो डायल की डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, और मैं भी एक ऐसी घड़ी लेना चाहूँगा। मैंने एक दिन उससे ये प्राइस पूछा था गाइस, उसने मुझे फ्लिपकार्ट पे दिखाया था, उसने कुछ तो इसका प्राइस मुझे 5,000 से 6,000 के बीच में डिस्काउंट के बाद कहा था, तो इसका ओरिजिनल प्राइस शायद से 8 या 9 हज़ार है गाइस। और ये देखिए कितनी सही घड़ी है गाइस, ये मतलब इतनी डिसेंट घड़ी और इतनी ट्रिपी घड़ी है गाइस। ये पीछे से देखिए कुछ नहीं दिखता, आप इसके अंदर से गाइस लुपा छुपी भी खेल सकते हो, मतलब कोई तो पीछे वो सेंटर में छुपा हुआ है और साइड से आप देख सकते हो, पर आपको दिखेगा नहीं गाइस क्योंकि आप छुपा छुपी खेल रहे हो, छुपा छुपी में छुपना होता है ना। और इसका बेल्ट भी काफ़ी सही है, पकड़ के रखता है, जो मेन काम है उसका वो करता है गाइस। और इन जनरल इस ये वॉच मुझे इसीलिए पसंद आई गाइस क्योंकि इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रिपी है और मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है गाइस। अगर आपको भी ये वॉच पसंद है तो आप इसको ले लो, डिस्क्रिप्शन में आ गया तो आ